वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी रवा तड़का इडली, जो कि आप MTR के पैक में जो तड़का इडली का बैक क्या बोलते हैं उसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तड़का इडली बनाने की रेसिपी, जो कि ये वो वाली इडली है जो MTR के पैकेट में आपको मिलती है इंस्टेंट इडली के नाम से। और उसे हम घर पे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने गैस ऑन कर दी है और कढ़ाई इस पर रख दी है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को हम थोड़ा सा होने देते हैं पहले। थोड़ा सा ऑयल होने के बाद इसमें हम मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। और साथ में डालेंगे हम कड़ी पत्ता। और इनको हम भून लेते हैं। और इसके बाद मैं डालूंगी ये चने की दाल थोड़ी सी, ये मैंने धो ली थी पहले। और अब हम इसमें डालेंगे, देखिए ये मैंने थोड़े से काजू बादाम जो है कूट लिए हैं, तो वो मैं इसमें डाल दूंगी। आप चाहें तो इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं। और इसे हम भून लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से भूनना है, क्योंकि इसमें हमने चने की दाल जो डाली हुई है, नहीं तो जब आप खाएंगे तो ये कच्ची कच्ची से रह जाएगी। तो हमें इसे जब तक भूनना है, जब तक ये अपना रंग बदल ना ले। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हम ऐसे करके भूनते रहते हैं, कम से कम 5 मिनट तक हमें ऐसे भूनना है। तो फ्रेंड्स, इसने कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। तो ये जो सूजी है, सूजी को हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम ऐसे करके मिला लेते हैं। तो हमें जो सूजी है इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, बस 1 से 2 मिनट भूनेंगे, नहीं तो जब हम इसको बनाएंगे तो हलवा बनने लग जाएगा और हलवे जैसी खुशबू आएगी इसमें से। तो बस हमें हल्का सा इसे इन सब के साथ मिक्स करना है और बस 1 से 2 मिनट हमें इसे भूनना है। तो ये आप देख ही रहे होंगे, जो इंस्टेंट इडली का पैक जो मिलता है MTR का, वो सेम बिल्कुल ऐसा ही होता है। और आप इसको पैक करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में और 1 वीक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब इसको हम गैस को कर देते हैं बंद और इसको हम उतार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसका जो है बैटर है हम तैयार कर लेते हैं। तो इसको हम पहले इसके नाप से मैं आपको बताऊँगी कि कितना आपको लेना है और कितनी दही यूज़ करनी है। तो उसे क्या होगा, आपकी जो इडली है बहुत अच्छी और फ्लफी बनेगी। तो ये देखिए, ये जो मैंने लिया है ये 250 ml का जो कप, ये कप है, इसको हम इसमें डाल देते हैं। और सेम क्वांटिटी में ये जो बची है इसको भी डाल देते हैं। तो ये 250 ml और ये उसका हाफ है, तो ये डेढ़ कप हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम दही भी लेते हैं सेम क्वांटिटी में। तो ये मैं जो पहले पूरा 1 कप भर के इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए पूरा 1 कप है, और इसको हम मिक्स कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम दही और डालेंगे। इनको आपस में मिक्स कर लेते हैं। जितनी हमने पहले सूजी ली थी उतने ही हम इसमें और दही डाल देते हैं। तो बराबर जितनी सूजी उतनी दही, और इन सबको हम इसको मिक्स कर लेते हैं।
और इसमें अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स अब इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला लेते हैं। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इडली के साथ चटनी होती है या फिर सांभर होता है, दोनों में से एक चीज़ ज़रूर होती है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसमें हम पहले अब थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। तो ये देखिए बहुत ज़रा सा पानी डाला मैंने। तो अब इस बैटर को हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुके हैं, तो हम जो इडली के सांचे हैं उनमें हम पहले तेल लगा लेते हैं, इससे जो है इडली चिपकेगी नहीं। और उसके बाद तेल लगाने के बाद हम जो बैटर है जिसको हमें 15 मिनट हो गया है रखे हुए, तो सारे बैटर में हम एक साथ जो है सोडा नहीं डालेंगे। ध्यान रखना है जब भी आप इडली बनाते हैं तो जितनी इडली हमें उस टाइम बनानी है सोडा हमें उसी टाइम मिलाना है, नहीं तो इडली हमारी अच्छी नहीं बनती है। तो इसके बाद ये बैटर मैंने ले लिया है और इसमें ये मैंने 1/4 टीस्पून जो है सोडा मिला दिया है। और ये देखिए बैटर हमारा ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। और अब बस हमें देर नहीं करनी, सोडा मिलाने के बाद हमें ये सांचों में रख देना है। तो ऐसे करके मैं जो है इडली सारे सांचों में रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे सांचों में डाल दिया है और उसके बाद मैंने अब इसको हम उस पर इसके और फ्रेंड्स ये जो है मैंने पहले से ही रख दिया था, पानी इसका गर्म हो गया है और हम इसमें सांचों को इडली मेकर में रख देते हैं और इसका हम ढक्कन लगा देते हैं और कम से कम 10 मिनट हम इसे तेज आँच पर रखेंगे। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, तो फ्रेंड्स इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ आपको एक बार। 10 मिनट के बाद देखिए इडली, और अब हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट और पकाना है इसको स्लो आंच पे। तो आंच मैंने स्लो कर दी है और 5 मिनट के बाद इडली हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक बार खोल के देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। और एक बार हम नाइफ की सहायता से ये किसी चाकू की ये देखिए, और ये बिल्कुल भी लग के नहीं आया है, तो हमारी जो इडली है बन गई है। और इसे हम गैस को कर देते हैं बंद और थोड़ी सी ठंडी होने के बाद हम इडलियाँ निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये अब थोड़ी थोड़ी ठंडी हो गई है, तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ उसे। ये देखिए गरम है थोड़ी सी और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये इडली बनी है, बहुत ही फ्लफी है। तो ऐसे करके मैं ये सारी इडलियाँ निकाल देती हूँ। तो ये आप दबा के भी ऐसे देख सकते हैं ये कितनी फ्लफी बनी है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब मैं ऐसे करके ये सारी जो इडली हैं ये निकाल लेती हूँ, ये देखिए और कितने आराम से ये निकल रही है। तो आप देख ही सकते हैं, तो कितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो देखिए ऐसे करके मैं जो सारी इडलियाँ निकाल लेती हूँ।